एक आम यूजर्स को हमेशा सभी कॉल्स लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत बार कुछ अनवांटेड कॉल्स भी होते हैं जिन्हें हम उठाना पसंद नहीं करते हैं। हम में से बहुत से यूजर्स को ये नहीं पता कि ट्रूकॉलर क्या है और ट्रूकॉलर कैसे काम करता है। इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस ऐप के विषय में जानेंगे वो हमारी इसी परेशानी को दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस परेशानी का आसान सा जवाब है कि ट्रूकॉलर एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक वर्ल्ड वाइड नंबर लुकअप सर्विस भी है। इसका मतलब कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करके किसी भी मोबाइल नंबर के ओनर के विषय में जान सकते हैं, वो भी बिना कॉल किए ही। यदि आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तब आपने जरूर ही ट्रूकॉलर का इस्तेमाल किया होगा। ये लोगों को दूसरे कॉन्टैक्ट की जानकारी खोजने में मदद करता है। इसमें यूजर्स को किसी इनकमिंग कॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए आपको कॉल को रिसीव करना नहीं पड़ेगा। ट्रूकॉलर एक आइडिया था दो इंजीनियर का जो कि कुछ नया करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आज ये लगभग 70 देशों में से भी ज़्यादा में फैला हुआ है। इस बेहतरीन ऐप के विषय में बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ट्रूकॉलर क्या होता है और ये कैसे काम करता है के विषय में जानकारी प्रदान करूँ, जिससे आपको भी इस बेहतरीन फीचर्स का इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ट्रूकॉलर एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कि पूरी दुनिया भर के यूजर्स के द्वारा एक नंबर लुकअप सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम ही है कि यूजर्स को इनकमिंग कॉल की सभी जानकारी प्रदान करना। ट्रूकॉलर की मेन प्रिंसिपल होती है शेयरिंग। यदि आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हैं तब बदले में आपको भी दूसरे के फ़ोन नंबर के विषय में जानने का मौका मिलता है। इसलिए आप जिसे भी खोजना चाहें वो लोकली हो या ग्लोबली, ट्रूकॉलर आपको उस कॉन्टैक्ट की खोज करने में मदद करता है। ट्रूकॉलर लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी ओएस, आईओएस, सीरीज 40, सिम्बियन S60, फायरफॉक्स ओएस, ब्लैकबेरी और विंडोज फोन में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। ट्रूकॉलर ने अपना सफर ब्लैकबेरी स्मार्टफोन से शुरू किया 1 जुलाई 2009 में। उसमें एक बड़ी सक्सेस के बाद ट्रूकॉलर ने दूसरे स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म के लिए इसे रिलीज किया। वहीं 7 जुलाई 2015 में ट्रूकॉलर ने अपना SMS ऐप भी लॉन्च किया केवल इंडिया में और उसका नाम रखा ट्रू मैसेंजर। ट्रू मैसेंजर इनेबल करती है यूजर्स को SMS मैसेज के सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस लॉन्च से कंपनी भारत में अपना यूजर्स बेस बढ़ाना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे ये विश्व के करीब 70% देशों में फैल चुके हैं। ट्रूकॉलर कैसे काम करता है? वैसे इस ऐप में ऐसे बहुत से फीचर हैं जिनके विषय में शायद आप नए भी जानते हो, इसलिए चलिए इसके विषय में कुछ अधिक जानते हैं। यह ऐप ऑटोमेटिकली ही स्पैम और फेक कॉल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें यूजर्स तक पहुंचने तक रोकता है। जब भी आपको कोई स्पैमर कॉल करता है तब आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली ही रेड में बदल जाता है और एक वार्निंग आपको दिखने लगता है। ये वही नंबर होते हैं जिन्हें कि कई लोगों ने स्पैम का टैग दिया होता है। जब कोई अननोन पर्सन आपको कॉल करता है तब यह ऐप उस कॉलर का नेम शो करता है और अगर वो इनके फ़ोन नंबर डायरेक्टरी में अवेलेबल हो, अगर उनके डायरेक्टरी में न उपलब्ध हो तो आप उनके डिटेल्स का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह ऐप ऑटोमेटिकली ही एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा उस यूजर को डिटेल के लिए। अगर वो यूजर आपके नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है तब आप उसके डिटेल्स प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऐप केवल उन नंबर्स को डिटेक्ट नहीं करता है जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होते हैं, बल्कि वो सभी नंबर्स जो कि किसी वेबसाइट में होते हैं या किसी सोशल मीडिया में होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर में भी, उन्हें बस क्लिक कर आप ट्रूकॉलर में उन सभी नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस ऐप का इस्तेमाल कर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट डायरी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा ये आपको अवेलेबल यूजर्स के स्टेटस भी प्रदान करती है जो कि अवेलेबल होते हैं कॉल रिसीव करने के लिए। ट्रूकॉलर एक वाइड रेंज की लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, इसलिए अगर आप इंग्लिश न भी समझते हो तो भी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ट्रूकॉलर यूज करने से कोई खतरा है? इसका एक आसान सा जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक सेफ है भी और कुछ हद तक सेफ नहीं भी। कुछ समय पहले की बात करूँ तब न्यूज में एक खबर आई कि ट्रूकॉलर की डाटाबेस एन्क्रिप्टेड नहीं है,
इसलिए अगर कोई इसके डाटाबेस को हैक कर ले तब वो आसानी से सभी यूजर्स के इन्फॉर्मेशन और उनके कॉन्टैक्ट को पा सकते हैं। ट्रूकॉलर एक बहुत ही आउटडेटेड वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहा था अपने कंटेंट मैनेजमेंट के लिए, जिसके कारण सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी मतलब कि आईएसआईएस हैकर्स ने उनके डाटाबेस को हैक कर लिया था। इसलिए सुनने में आ रहा था कि अब उन हैकर्स के हाथों में हमारी सभी के पर्सनल डाटा मौजूद है, इसीलिए बीच में सरकार ने ट्रूकॉलर को अनइंस्टॉल और डिलीट करने के लिए भी कहा था। इसके साथ इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी बड़ी अजीब है। वो यूजर्स कॉन्टैक्ट को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक यूजर्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये साफ तौर से लोगों के प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन है, इसलिए ट्रूकॉलर का इस्तेमाल मेरी नज़र से सही नहीं है। वैसे अगर आप इंस्टॉल करने के दौरान सभी कंडीशंस को देखकर करें तब आप कुछ हद तक अपने प्राइवेसी को बचाए रख सकते हैं। ट्रूकॉलर बड़ी आसानी से बिना इंटरनेट के भी आपके डिवाइस में कार्य कर सकता है। एक बार कॉलर को आइडेंटिफाई किए जाने पर ट्रूकॉलर के द्वारा ट्रूकॉलर बिना इंटरनेट के भी आपके लिए उस कॉलर को आइडेंटिफाई कर देगी। ट्रूकॉलर के फायदे क्या क्या हैं? वैसे ट्रूकॉलर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनके विषय में चले जानते हैं। इस ऐप में अनवांटेड कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है। ट्रूकॉलर बिना इंटरनेट के भी किसी डिवाइस में कार्य कर सकता है। जब आपने ट्रूकॉलर कर लिया और इंस्टॉल कर लिया तब आप ऑटोमेटिकली ही अपने आप रीजन के टॉप स्पैमर से छुटकारा पा चुके हैं। आप उन सभी कॉलर्स को ब्लॉक कर सकते हैं जो कि उनके नंबर को हाइड करते हैं और अपने आइडेंटिटी को डिस्प्ले नहीं करने देते। ट्रूकॉलर के नुकसान, अगर मैं ट्रूकॉलर के डिसएडवांटेजेस के विषय में बात करूं तब इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये आपके सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ तक कि मैसेज को भी एक्सेस कर सकता है। साथ ही वो यूजर्स के सभी इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा करता है और समय पड़ने पर उन्हें अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बल्कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है। इसे यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मेरे व्यूअर्स को पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट या इंटरनेट में उसे खोजने की जरूरत ही ना पड़े। इससे उनके समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी जानकारी मिल जाएंगी। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तब इसके लिए आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम और ट्विटर इत्यादि पर शेयर कीजिए। नमस्कार।